चैनल वंस अगेन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे अपने घर पे और सब कुछ बढ़िया कर रहे होंगे जो बाहर भी होंगे। तो हम आए हैं कहाँ पे? अरे सूरज कुंड आए हैं। 34 सूरज कुंड मेला लगा है और हिमाचल प्रदेश की थीम है यहाँ पे। ये भैया टिकटॉक के कहीं भी शुरू है। तो मेरे पीछे साथ में है ट्विंकल और ये री प्रांशु। ये री हाय कह दो सबको। तो अभी हम अंदर जाके मेला पूरा एंजॉय करने वाले हैं मस्त तरीके से। गाड़ी यहाँ पार्किंग के वहाँ पे पार्क कर दी है और अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे? वो कहाँ जा रहे हैं हम? तो अभी जाएंगे सूरज कुंड और हवा काफी सही चल रही है यहाँ पे। मोदी जी ने पर्सनल अपना चॉपर भेजा है आपके लिए। अच्छा एच पे 500 रुपए पर सवारी। हाँ हल्की हो या भारी। तो चलो अंदर चलते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि कैसा है सूरज कुंड का मेला। एंटर कर चुके हैं सूरज कुंड मेले के अंदर और ये मेरे पीछे वहां पे है एंट्री गेट। मतलब मेरे तो आगे ही लगेगा। तो अभी हम एंट्री करके देखेंगे। काफी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है यहाँ पे और कैसा लगता है अंदर मेला आपको स्लो मोशन शॉट्स और काफी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलो अंदर चलते हैं। भाई कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे यार अंदर? अभी क्या था कि मैं iPhone 7 Plus से व्लॉग कर रहा था बट उसका जो माइक है वो फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ रहा था मेरी। तो मैं अपने ही फोन से फिर दोबारा व्लॉग कर रहा हूँ। ऐसे हिमाचल टूरिज्म का लगा हुआ है और मेरे पीछे यहाँ पे शायद नुक्कड़ नाटक चल रहा है। ये गांधी जी उधर चले गए पर छोड़ गए अपना चरखा। तो भाई हम भी जाके चरखा चलाते हैं छोटे से बालक के साथ। ऐसे बैठ के चला रहा होता है चरखा चल रही है। ये यहाँ से पकड़ो। लग रहा था हमें भगा दे चरखे के पास से और टाइम आ चला है आगे जाने का। फिर लग गया। भाई आगे क्या है? ये एंट्री है। अब किस चीज की एंट्री है? सीडली गाइस हुआ क्या कि चलते चलते हम इतना आगे आ गए कि मेला ही खत्म हो गया। तो अभी घूम नहीं हुए यार। वो एग्जिट गेट है मेले का। तेरा कोई मिल गया जान पहचान वाला? ओ भाई साहब भाई तो कतई डरावना लग रहा है। यहाँ पे आ गए हैं अभी फूड स्टॉल्स के पास और यहाँ पे नाच गाना चल रहा है बड़ा खतरनाक तरीके वाला। अभी दिखाता हूँ आपको। फूड कोर्ट के पास डांस चल रहा है कतई जहर वाला जैसे कि आपने देख भी लिया। आड़े तेड़े तिरछे कैसे भी नाच रहे लोग यहाँ पे और काफी फन है। अभी कुछ खाते भी थे और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे रेट है खाने वगैरह के। तो अगर आपको आना हो क्योंकि यहाँ पे खाना अंदर लाना अलाउड नहीं है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारी स्टेट्स के लगे हुए हैं जैसे बिहार वगैरह का भी है। और गाइस वो देखो वहाँ पे डोमिनोज भी है तो किसी को डोमिनोज से खाना हो तो भाई वो भी खा सकता है। पर जो खाना है वो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव लग सकता है और जगहों के मुकाबले क्योंकि जब हम डोमिनोज पे भी पूछने गए पिज़्ज़ा तो डोमिनोज का जो नॉर्मल पिज़्ज़ा आता है जो 70-80 का आता है अपना जो स्टोर पे तो वो 250 रुपए का पिज्जा था और डोमिनोज का पिज्जा 250 रुपए का। हाँ, एक लड़का बोलता पीछे गर्लफ्रेंड ढूंढ लो यहाँ। चॉकलेट डे है यहाँ। यहाँ लोग गर्लफ्रेंड भी ढूंढ रहे हैं तो भाई चॉकलेट डे है। वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है भैया। ढूंढ लो मेले में मिल जाए कहीं मिल जाए। We'll be right back.
को पता है तूने 20 लोगों को टकरे मार दी पीछे, झूल 50 दिया। वो बता रही थी काली मिले भाव कितने हैं, बताइए बताइए कितने का है मैडम, बता तो दो कितने का है। ये है आपको बताऊंगी 700 रुपए का। मोस्टली जो यहाँ पे है लड़कियों के लिए स्टफ ज्यादा मिलता है, और क्या कहते हैं अपना आर्टिफैक्ट्स वगैरह है, काफ़ी पेंटिंग्स वगैरह और कारपेट्स और जो शोपीस वगैरह है तो वो ज़्यादा मिलते हैं। और ये कुछ खाने क्या खा रहे हो भाई, कौन तो मैं खाता ही नहीं, इतनी ट्रेड फेयर सा लग रहा है ना ये। हाँ। मैं मेले में आया था ना पिछली बार, तो यहाँ झूले वूले भी लगते थे, इस बार कुछ है ही नहीं ऐसा, झूले भी लगते थे तो समझ नहीं आ रहा क्या। गाइस प्रांशु ना एमी फैक्ट्री फर्स्ट टाइम आई है, इसे कुछ नहीं, मैंने बचपन में ऐसे मतलब लोग ना झूले लगते थे लेकिन अब नहीं लग रहे हैं। हाँ मतलब फेंकने में तो एक्सपर्ट है लोग यहाँ पे, सबसे बड़ी फैक्ट होता है ये चॉपर से आई है मैम। हाँ चॉपर से, चॉपर से अभी मैंने देखा था, वो जो स्कूटी वाला रिक्शा नहीं होता जिस पर वो स्कूटर लगाते हैं आगे और पीछे वो चार पांच ठेले पे लोग यहाँ आते हैं, वो उसमें उतर के आई है। किस में आई है? BMW में। ठीक है, BMW सफेद कलर की जिसके ऊपर Hyundai का स्टिकर लगा। कोई मेले या किसी जगह घूमने आओ और लड़कियां तुम्हें ना बोले कि गोलगप्पे टिक्की खानी है तो भाई हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी ये भी गोलगप्पे टिक्की है बहुत महंगा, कितने की है? 50। काफी ज्यादा महंगा है, महंगा। अब है क्या यार, मेरे गली में ना 20 रुपए की मिलती है, 10 के 3 गोलगप्पे मिलते हैं और यहाँ पे 50 रुपए के 6 गोलगप्पे मिलते हैं। कुछ खा लिया ये बचा कुचा माल, इसको खिला बचा कुचा बेचारी, ओ बेचारा। हर चीज के रेट जो है वो हाई हो रखे हैं, तो ये जो 20 रुपए वाली बोतल मिलती है ये मेरे को पड़ी 30 रुपए की और मुझे 10 रुपए का बहुत दुख है। क्या बोला, क्या चुस्की वे क्या बोलते हैं इसको, बर्फ का गोला, आइस गोला, आइस गोला। कल के पास आ गए हम, जइयो जरा सेल्फी खिंचवा, रावण जी स्माइल। इतने के बाद तो मेला काफी एक्साइटिंग लग रहा, क्यों भाई? हाँ क्योंकि हम सुबह जल्दी आ गए थे तो कुछ था नहीं, अब चीजें हो रही हैं। हाँ तो काफी बढ़िया, अभी स्टेज के पास भी काफी भीड़ लगी हुई है, देखते हैं अभी स्टेज के पास क्या हो रहा है। हाँ तो देखो फैशन शो चल रहा है, अपना रैंप वॉक हो रही है बढ़िया तरीके से, हो गया अभी सीन हम दोनों। हाँ और हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए लोग। A few moments later. सूरजकुंड मेले से हम आ गए थे बाहर और अभी हम जाएंगे कुछ खाने पीने बाहर, क्योंकि अंदर हमको खाना सही नहीं लगा था और रेट भी काफ़ी एक्सपेंसिव था वहाँ पे अकॉर्डिंगली। तो काफ़ी मज़े किए, काफ़ी स्लो मोशन शॉट्स लिए, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें देखी, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछली बार जैसे झूले वगैरह लगे हुए थे तो इस बार ऐसा कुछ था नहीं, तो वो चीज़ की कमी लगी। बाकी ओवरऑल तो मेला काफ़ी सही था, अंदर काफ़ी मतलब क्राउडेड भी था और काफ़ी मज़ा आया आज के दिन में। तो गाइस इसी के साथ करने जा रहा हूँ मैं वीडियो का एंड। गाइस अगर आज का वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। मत कर यार पंक्तियाँ मत कर। तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मतलब सब्सक्राइब चाहिए अब तो, कुछ भी करके ब्लॉगर भैया को सब्सक्राइब चाहिए। सो टिल देन सी या।